नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पर काम काज कर सकते हैं और हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। मैंने आपको एक जस्ट अ सेकंड गाइस, मैंने आपको ये लेवल दिया हुआ था 41,800 का। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो हम कॉल के लिए ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि गैप अप ओपन हुआ अच्छा खासा मार्केट, और बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन करके धीरे धीरे से नीचे आने लगा। ठीक है, आप कहाँ पर, मैंने पर्सनली एक ट्रेड यहाँ पर लिया। मुझे मालूम था कि अगर मार्केट इतना अच्छा खासा गैप अप ओपन हो रहा है तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, नीचे यहाँ रहेगा। अगर यहाँ से थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ली थी, और जैसे यहाँ पे हैमर बनी मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी थी। मुझे थोड़ा स्केल्पिंग ट्रेड जैसा था, ये प्रॉपर ट्रेड नहीं कह सकते, स्केल्पिंग ट्रेड मैंने यहाँ पर किया था। अगर बात करें दूसरे ट्रेड की, दूसरे ट्रेड बहुत ही लंबा चला था क्योंकि इतना हाई डीके और प्लस हाई वोलेटिलिटी था ऑप्शन में, क्योंकि आज एक्सपायरी था। ये ब्रेक किया मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं क्या ये देख रहा था कि यहाँ से ये लेवल अगर कल का जो क्लोजिंग की जो कैंडल है वो ब्रेक करता है तो मैं एंट्री ले सकता हूँ। लेकिन हुआ क्या, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया और बाद में यहाँ पे डाउन आया मार्केट में, तो मैंने यहाँ इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री ले ली थी। क्योंकि निफ्टी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ी सी मुझे ज़्यादा नेगेटिव लग रही थी क्योंकि रिलायंस है वो ज़्यादातर नीचे आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक पुट की पोजिशन ली और हमने यहाँ पे अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली कई बार एग्जिट लेने के लिए या कुछ कंफर्मेशन के लिए आरएसआई यूज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आरएसआई निकाल के रखा था। मुझे यहाँ से थोड़ा सपोर्ट आरएसआई में भी मिला और मुझे यहाँ पे थोड़ा लग रहा था कि मोमेंटम नहीं आएगी क्योंकि निफ्टी ने अपना जो लो था वो ब्रेक नहीं किया था, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे मोमेंट अभी रुक सकती है थोड़ी देर के लिए। तो मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लो क्वांटिटी बाय किया था, उसमें से थोड़े निकल के मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया था, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया, लेकिन फिर भी प्रॉफिट हुआ क्योंकि मैं ट्रेल करके चल रहा था, इसलिए हुआ थोड़ा बहुत प्रॉफिट। बाद में फिर से मार्केट साइड में रही, मैंने बाद में इस कैंडल पे एंट्री ली थी और हमें एक कैंडल में अच्छा खासा क्विक मूव मिला। उसमें भी मैंने 30 रुपये का पुट बाई किया था और वो 110 के आसपास गया था। वो मैंने इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। बाद में ये मैंने ट्रेड नहीं किया था ये लो ब्रेक होने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पे एक सपोर्ट देख रहा था, तो इतना अच्छा खासा ट्रेड हमें नहीं मिलता। तो ठीक है, बैंक निफ्टी में आज ऐसे आप काम कर सकते हैं। अगर कल की बात करें बैंक निफ्टी में, तो फिर से बैंक निफ्टी इन द रेंज आ गई है, फिर से रेंज में क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, बात कर रहे हैं अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसी एक ट्रेड लाइन बन रही है। ठीक है, अगर कल इस ट्रेड लाइन को ऊपर की ओर मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस, कल अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेड लाइन को ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो मैं कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, हमारा हाई का टारगेट हो सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट ओपन होकर कंसोलिडेशन करके एंड ऑफ द डे में ब्रेक करता है तो हम यहाँ, ये एक जोन है, यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं कल पर्सनली अपना ट्रेडिंग थोड़ा सा अवॉइड करूंगा क्योंकि हमें भले हमें आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं, हमने ज़्यादा मूव कैप्चर नहीं की है क्योंकि साइडवेज था, रेंज बाउंड था मार्केट, लेकिन जितनी भी अच्छी की, और ये वीक में हमें लॉस बहुत ही कम हुआ है। ठीक है, हमने ज़्यादातर प्रॉफिट किए हैं, भले स्मॉल स्मॉल किए हो लेकिन किए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा कल अवॉइड करूंगा। और मुझे लग सकता है कल फिर से इसी रेंज में मार्केट रहेगा, फिर गैप अप गैप डाउन कहाँ पे ओपन होता है वो हम देखेंगे। अगर नीचे की ओर बात करें, अगर ये ब्रेक करता है जो कल का लो है, इसे अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो मैं यहाँ पे टारगेट मिल सकते हैं। ये एक पूरा का पूरा जोन है यहाँ पर, जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे का पूरा जोन है। तो अब इस जोन में जब आए तो यहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट बुक कर देता है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है 41,251 पे, और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया हुआ है 41,058 पे। ठीक है,
अपने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप अपने पिवोट के हिसाब से, या आगे रेजिस्टेंस के यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, यहाँ से आप एक सपोर्ट अपना लेके अपना ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी की बात करें, जस्ट अ सेकंड, निफ्टी में आज मैंने आपको लेवल दिए हुए थे। अगर निफ्टी 80,050 को ब्रेक करता है तो हमें 80,141 का टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो गैप अप ओपन हुआ नीचे, यहाँ पे जब ये प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ पे किसी ने कॉल बाय किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। बाद में पूरा का पूरा दिन आज निफ्टी रेंज में रहा, एंड ऑफ द डे में नीचे ब्रेक की थी ये रेंज, लेकिन इतना अच्छा खासा मोमेंटम नहीं मिला किसी को निफ्टी में। मैंने भी निफ्टी में ट्रेड नहीं किया था, ठीक है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी कल के बारे में, कल कहाँ पर कामकाज कर सकती है। अगर हम नीचे की ओर बात करें, अगर नीचे की ओर मैं अभी यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे इस लेवल पे अगर ये लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक करता है 70,975 का, जस्ट अ सेकंड, तो हमें नीचे के यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। पहला टारगेट कम है, दूसरा यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इसलिए कम है। अगर आप, आपको 18,000 ब्रेक हो तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये कन्फर्मेशन के लिए यहाँ तक, इसलिए मैंने 25 पॉइंट है वो कन्फर्मेशन के लिए रखा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसा राउंड लेवल है या ऐसा मेजर जो सपोर्ट है वो कई बार ब्रेक होता है और ऊपर चला जाता है, मैंने ये कन्फर्मेशन के लिए रखा है 70,975 का। अगर ऊपर की ओर बात करें तो मैं, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक नहीं लूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, एवरेज 80,075 को ब्रेक करता है तो 80,100 एक सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करता है तो 80,133 जो आज का हाई है और एक सपोर्ट जोन है, तो वहां पर भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर 80,133 को ब्रेक करता है तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर यहाँ से कोई 80,000 से लेके 70,974 में अगर हमें कोई सपोर्ट लेती हुई कैंडल, और कोई बुलिश कैंडल, बुलिश मोमेंटम की कैंडल, या कुछ ऐसी कोई बुलिश पैटर्न हमें मिलती है, तो हम एक छोटा सा कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, हमारा यहाँ तक का टारगेट रह सकता है। ऊपर की ओर अगर बात करें, जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पर हमें एक ये 80,200 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के ये रहे लेवल्स। कल अगर हमारे मोमेंटम के साथ हमारे लेवल ब्रेक करते तो हम एंट्री लेंगे, वरना कल फ्राइडे है, मुझे इतना भी इंटरेस्टेड नहीं रहता मैं कभी फ्राइडे के दिन, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।